हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक नंबर 21 पे। जैसा आप सबको पता है, कुल मिला के 200 टॉपिक आने वाले हैं, है ना। 15 से 20 क्वेश्चन यार मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एग्जाम में मिले। और आई बटन पे क्लिक करके इसका पूरा सिलेबस, मतलब जो भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कोशिश रही 10 तारीख तक मैं कम्प्लीट करा दूँ पूरे 200 टॉपिक। डेली कम से कम 8 से 10 टॉपिक तो आपको डेली मिलेंगे ही मिलेंगे। कोशिश रहेगी कि 10 तारीख तक कंप्लीट करा दूं, क्योंकि 20 टॉपिक मुझे डेली डालना पड़ेगा तब जाके होगा, है ना। और कोशिश है आज से 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक कोशिश कर लूँगा। ठीक है, जिससे क्या हो कि 10 से 15 तक मान लो कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन देखो थोड़ा थोड़ा, है ना, उसको कम्प्लीट करते रहोगे तो मज़ा आएगा। चलो आज के टॉपिक बात करते हैं, रेगुलराइजेशन ऑफ GM क्रॉप्स। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला इंडिया, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना और कनाडा, ये टॉप 5 GM क्रॉपिंग कंट्रीज हैं। टॉप 5 ध्यान रखना, नंबर 1 पे इंडिया आता है, दूसरे पे यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना और कनाडा। और ये अगर इन सब का हिस्सा मान ले तो लगभग 90% एरिया जो GM क्रॉप्स हैं, मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उनका 90% यही 5 देशों में होता है। ठीक है, तो यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है इस बात। ओके चलो आगे ध्यान रखना, वाइल्ड प्रोपोनेंट ऑफ द जेनेटिक मॉडिफाइज आर्ग्यूज दैट द पोटेंशियल ऑफ टू सॉल्व इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम। देखो इसको, इसके पास इतना पोटेंशियल है कि ये जो इंडिया की प्रॉब्लम्स है ना, उन सब को ख़त्म कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है कि ये इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे ना एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए इसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या कर सकता है ये, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, अगर सही से इसका, इसके बारे में हम लोग सही से जान पाए तो भारत की जो कृषि उत्पादकता है उसकी समस्या को हल कर सकता है। ये तो बात तो सही है, लेकिन जानते हैं कि प्रॉब्लम है, अगर इलाज है तो प्रॉब्लम भी है। चलिए अब बात करते हैं आगे, इसको रेगुलेट कौन करता है। अगर इन इंडिया, अपने इंडिया में बात करें तो ध्यान रखना कि कौन करता है, तो इस यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री का नाम ध्यान रखना, क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसी के अंतर्गत होता है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसी के अंतर्गत क्या करता है भैया, इसको प्रोटेक्शन मिलती है, इसको रेगुलेशन मिलती है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, भारत सरकार ने क्या किया है, इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक कमेटी बनाई है जिसका क्या नाम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ना। ये जो कमेटी है वो क्या करती है, जो भी GM क्रॉप्स है ना उसका क्या करती है, मॉनिटर करती है, उसको रिव्यू करती है, फिर उसको ऑथराइज भी करेगी। ध्यान रखना, अप्रूवल देगा कि हम इसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इसको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरर, सब कुछ, है ना, सेल से लेके हर चीज़ का क्या करती है, ये रिव्यू करती है, इसको अप्रूव करती है। लेकिन ध्यान रखना, अप्रूवल कर देगी लेकिन उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, लागू हो। क्यों, क्योंकि लास्ट में ना मिनिस्ट्री ही सब कुछ है। देखो यहाँ इन्होंने क्या किया, मॉनिटर किया, रिव्यू किया, फिर अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद मिनिस्ट्री के पास जाएगा, मिनिस्ट्री लास्ट में कहेगी कि हाँ ये करना है कि नहीं करना है। ठीक है, बस इनको क्या करना है, कमेटी है, जानते हो ना, कमेटी अपने रिकमेंडेशन देती है, उस हिसाब से ये काम करती है। तो ध्यान रखना, कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है। अगली बात, ये भी जो FSSAI है, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये संस्था है ना, ये भी क्या करती है, इसको रेगुलेशन के सब्जेक्ट में आती है। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें खाने से रिलेटेड हैं, क्रॉप्स जो होती हैं वो खाने से हैं, तो कहीं ना कहीं इसका तो बहुत बड़ा रोल हो ही जाता है। अगर UPSC डाले कि FSSAI और GEAC ये संस्था और ये तीनों है, तो कह दीजिएगा हाँ बिल्कुल तीनों है। ठीक है, चलो आगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि अभी इंडिया में सिर्फ कॉटन है जो GM क्रॉप है, जो अभी अलाउड है इंडिया में उसका कल्टीवेशन के लिए, मतलब उसको उगा सकते हैं, सिर्फ कॉटन है। ठीक है, GM कॉटन। अभी हाल ही मैंने जो कमेटी है उसने क्या किया गया है, अप्रूव किया है, क्या अप्रूव किया भाई, जेनेटली मॉडिफाइड मस्टर्ड, है ना, ध्यान रखना, सरसों, सरसों को अभी हाल ही में ना इसको क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है। लेकिन अभी तक ये मिनिस्ट्री में मैटर फंसा है कि मिनिस्ट्री ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया है। और मैंने क्या बोला, जब तक भैया मिनिस्ट्री अप्रूव नहीं करेगी, भले ये कुछ कह रहे हैं, तो उसकी बात अप्रूवल नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ऐसा क्यों बनाया गया, सीधी सी बात है यार, गवर्नमेंट को सब नहीं पता होता ना, गवर्नमेंट कमेटी बनाती है, उसमें अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, इंजीनियर होंगे जो इस पर काम करेंगे, उसके बाद बताएंगे सरकार को।
सरकार देखती है कि और भी क्या चीजें हैं, फिर उस चीज को लेके गवर्नमेंट आगे काम करती है। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी इंजॉय करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, समय बहुत कम है।